इसमें से तो आवाज भी आ रही है। ये आपने कब लिया? बहुत स्टाइलिश है ना? हाँ, तनवीर लाया था, उसको ट्यूशन की फीस के पैसे मिले थे ना, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लाया था। हमें क्या पता, हमारे लिए तो कुछ नहीं लाया। दोस्त है तुम्हारा, मांग लो उससे। मांग कर तोहफा लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मुझे क्लिप कटवाना है। सॉरी जी, अभी हमारे पार्लर में कटिंग की सहूलत नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम लड़की रख लेंगे कटिंग और स्टाइलिंग के लिए। मुझे आती है कटिंग। अच्छा चलें ठीक है। और कुछ करवाना चाहेंगे आप? नहीं अभी नहीं, थैंक यू। फुप्पो, आपने उसे जाने क्यों दिया? मुझे आती ना कटिंग, और मैं फ्लिक भी काट लेता हूँ। इंटरनेट से जो वीडियोस देखते हो तुम, मैं मानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी टेक्निक का पता चल गया है, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं किया ना तुमने अभी। बाल काटे थे ना मैंने। इतना आसान नहीं है बाल काटना। इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि पहले कोई कटिंग वाली लड़की ढूंढ लो। इतनी आसानी से नहीं मिलती कटिंग वाली लड़की, मैंने इधर उधर से पता किया है। मिसेज यूनस से बात करती हूँ। मुझे तो सुन के बहुत ही अजीब लगा मिसेज यूनस, आपका ये लेवल तो नहीं है कि आप अपनी इतनी बड़ी गाड़ी में गली मोहल्ले के छोटे छोटे पार्लर्स पर जाने लगी। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं रहा तो किसी अच्छे पार्लर पर जाए ना। ये भी कोई पार्लर है, आमना मरियम, तौबा है। ओहो, मुझे हमेशा से तुम्हारा काम बहुत पसंद था सायरा, इसलिए तो मैं बड़े बड़े पार्लर्स छोड़ के तुम्हारे पास आती हूँ। बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, हम दोनों को चाहिए मिलकर उसको सपोर्ट करना, वरना ना तुम्हारे पास क्लाइंट्स की कमी है ना मेरे पास ब्यूटिशियंस की। बिल्कुल, मैं तो बहुत हेल्प कर रही हूँ आमना की, और अपने कई क्लाइंट्स उसके पास भेज चुकी हूँ। आपकी तो और बात है ना मिसेस यूनस, आपसे तो हम मोहब्बत करते हैं। ओह थैंक यू सायरा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मैंने नए आई शेड्स मंगवाए हैं और मसाजर भी आ गया, बस अब आपको जल्दी चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं जरूर विजिट करूंगी, जरूर आऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी, खुदा हाफिज। और आमना की दुकान चमकाते चमकाते हम अपनी दुकान बंद कर ले, देख लूंगी मैं सबको। लेकिन अभी तक कोई मजे की खबर क्यों नहीं आई है आमना मरियम पॉलर से? आपने किस चीज का बदला लिया है मुझसे? कोई दुश्मनी थी? आपको काम करना ही नहीं आता, क्या हुआ है? नजर नहीं आ रहा, शक्ल बिगाड़ के रख दी आपने मेरी, और पूछ रही हैं हुआ क्या है? ये तो रैशेस पड़ गए आपके फेस पे, कैसे हुआ ये? दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैं इस घटिया पार्लर में चली आई। अगर आपको काम करना ही नहीं आता है तो ये पार्लर क्यों चला रही है? देखिए, मुझे लगता है आपको पहले से कोई स्किन एलर्जी थी, इसलिए ये हो गया। कोई एलर्जी नहीं थी, मैं अभी डॉक्टर के पास से होके आई हूँ, उसने मुझे बोला है कि आपने कोई एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक यूज की है। देखिए, अब तो आप इल्जाम लगा रही हैं, हम क्यों गलत और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट लगाएंगे अपने क्लाइंट पे? कैसी बातें कर रही हैं आप? आज मेरा वलीमा है, मैं ये शक्ल लेके जाऊंगी स्टेज पे, या तो आप ये बच्चा संभालें या ये पार्लर चलाएं। अच्छा देखें, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन आप यकीन करें मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी, और थोड़ी ज्यादा बेस लगेगी आपका फेस कवर हो जाएगा, और मैं बिल्कुल मेकअप फ्री करूंगी आपका। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। अभी भी कोई कसर बाकी है जो आप पूरी करना चाहती हैं? मैं पागल हूं जो दोबारा इस कुर्सी पे बैठूंगी। एक्सक्यूज मी, तो आप दूसरी कुर्सी में बैठ जाएं। शट अप, आप जानती नहीं मुझे, मेरे ससुर एसएचओ हैं, केस कर दूंगी मैं आप पे। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आप मरियम, अब क्या होगा? बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।